पौधा बांटकर मनाया बच्ची का जन्मदिन, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। दरअसल बता दें कि बिगड़ते पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए हम लोग अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में पौधारोपण के महत्व को समझने लगे हैं। शनिवार को हिलसा शहर के जाने माने शिक्षाविद और सरदार पटेल हाई स्कूल के निर्देशक वीरेश कुमार जूली कुमारी अपने बच्ची का जन्मदिन ग्रामीणों के बीच में पौधा वितरण कर मनाया है। इस दौरान आगंतुक अतिथियों के बीच में न केवल पौधे बांटे गए बल्कि पर्यावरण को संरक्षित करने संबंधित संकल्प भी दिलाए गए। इस दौरान उपस्थित समाज सेवी डॉक्टर सतोष कुमार मानव ने कहा कि अगर हर तरह से उत्सव में पौधे बांटकर खुशियां मनाई जाए तो समाज में पर्यावरण संरक्षण में के प्रति सकारात्मक संदेश जाता है। ऐसी परंपरा अगर हर जगह शुरू हो जाए तो आने वाले समय में पौधे की कमी नहीं होगी और हम लोग खुले में सांस ले सकते हैं। डॉक्टर सतोष कुमार मानव ने यह भी कहा कि विकास के आंध दौड़ में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। आम जन चेतेंगे तभी तब भविष्य में स्वच्छ हवा मिल पाएगी, वरना सांस लेना भी दुश्वर हो जाएगा। उन्होंने बच्ची तथा उसके परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए इस पहल की अनुकरणीय बताया है। वीरेश कुमार एवं जूली कुमारी के अलावे मुकेश कुमार, शैलेश सिंह, दीपक कुमार समेत कई लोग भी उपस्थित थे। लगा देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा देश बहुत मजबूत होगा पर्यावरण के मामले में। तो इसके लिए सरदार पटेल हाई स्कूल के जो हमारे सर और मैडम हैं, हेड सर और हेड मैम हैं, हम उन दोनों का और साथ में जो भाषण सुने बढ़िया से हमारा क्या नाम है, मिस्ट्री जी, जो हमारा खूब भाषण सुनते हैं और उसने पहले भी सुने थे। हाँ बोलते हैं, ताली मिलाने के लिए।